नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा हजारों भारतीयों के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। बाइडेन प्रशासन भारतीयों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में रहना और काम करना आसान बनाने को लेकर जरूरी कदम उठाने जा रहे हैं। बाइडेन प्रशासन ने भारतीयों के लिए H-1B वीजा के नियमों में ढील देने का मन बनाया है। इसका सीधा फायदा उन हजारों भारतीयों को होगा जो काम की तलाश में या रहने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो विदेश विभाग गुरुवार को जल्द ही घोषणा कर सकता है कि H-1B वीजा पर कुछ भारतीय और अन्य विदेशी कर्मचारी विदेश जाए बिना अमेरिका में उन वीजा को रिन्यू कर सकेंगे। आने वाले समय में इसे एक पायलट प्रोग्राम की तरह बढ़ाया जा सकता है। H-1B वीजा प्रोग्राम का फायदा उठाने वालों में सबसे ज्यादा भारतीय है। वित्तीय वर्ष 2022 में इस प्रोग्राम के तहत 73% भारतीयों को फायदा हुआ, जबकि कुल 4,42,000 वर्कर्स ने इसके लिए अप्लाई किया था। विदेश विभाग की तरफ से जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। माना जा रहा है कि गुरुवार को ही इसके बारे में आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। एक अन्य अमेरिकी अधिकारी ने कहा, हम सभी मानते हैं कि हमारे लोगों की गतिशीलता हमारे लिए एक बड़ी संपत्ति है, इसलिए हमारा लक्ष्य एक तरह से बहुमुखी तरीके से संपर्क करना है। विदेश विभाग पहले से ही चीजों में बदलाव लाने के लिए रचनात्मक तरीके खोजने के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है। हालांकि विदेश विभाग के प्रवक्ता ने उन सवालों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि कौन से प्रकार के वीजा योग्य होंगे या पायलट लंच का समय क्या होगा। पायलट कार्यक्रम की योजना पहली बार फरवरी में ब्लूमबर्ग लॉ द्वारा रिपोर्ट की गई थी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।